आज हम सब मिलकर घर की सफाई करेंगे। जब तक शिनचैन शीरो को घुमाकर वापस आता है, मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। ये मैं कर दूंगा मित्सी, तुम कुछ और काम कर लो, क्योंकि मुझे पता है शिनचैन 2 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाला है। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। तुम और शीरो घर कब वापस आए, बताओ। मैंने सोचा सूरज डूबने से पहले घर आ जाऊं। आप क्या चाहते हैं मैं कब घर वापस आऊं? जब हम घर की सफाई कर ले उसके बाद। डैड, आपको चोट लग गई क्या? ये, अरे नहीं नहीं, ये चोट नहीं है बेटा, ये हेड बैंड है। असल में हम लोग सोच रहे थे कि घर की सफाई। आप इसे कुछ मत बताइए। अच्छा अच्छा, तो आप लोग सफाई करने की सोच रहे थे, और वो भी मेरे बगैर? बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। शिनचैन, ये काम हम दोनों कर लेंगे बेटा, तुम जाकर खेलो। जाओ जाओ, बाहर जाओ। आप शर्माइए मत, मैं मदद जरूर करूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सफाई करके ही मानेगा। अरे नहीं हैरी, अगर ये सफाई करेगा तो रात हो जाएगी। हो, देखो देखो मेरा हेडबैंड कैसा है, इसमें अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। ये तो एकदम तैयार हो गया है मित्सी, अब क्या करें हम लोग? बेटा शिनचैन, जरा पीछे मुड़कर दिखाओ तुमने क्या बांधा हुआ है। ये स्पेशल हेडबैंड है। ये तो मेरा स्कार्फ है। ये तुमने क्या किया मेरे स्कार्फ के साथ? सुनो शिनचैन, अब तुम कोई सफाई नहीं करोगे, सुन लिया तुमने? जाओ बाहर जाकर खेलो। एक तो मैंने आपके स्कार्फ ढूंढे और आप गुस्सा कर रही हैं। तुमसे किसी ने कहा था मेरे स्कार्फ ढूंढने के लिए? बोलो। शांत हो जाओ बस। शिनचैन, तुम शीरो के साथ खेलो या कुछ और काम करो, मैं मित्सी को देखता हूँ। डैड, आप भी ऐसा सोचते हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा। अरे शिनचैन, इसमें रोने की क्या बात है बेटा, रो मत। डैड, आप लोगों को पता नहीं मैं आप दोनों से कितना प्यार करता हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए मित्सी, ये तो बस हमारी मदद करना चाहता है, करने देते हैं। लेकिन हैरी, घबराओ मत, मैं इस पर नजर रखूंगा। जैसा आप कहें। शिनचैन बेटा उठ जाओ, अब हम मिलकर घर की सफाई करेंगे। मेरी एक्टिंग भी ना लाजवाब है। ठीक है, मैं साफ करूंगी बाथरूम और खिड़कियों को। शिनचैन, तुम शीरो का घर साफ करो और अपने खिलौने ठीक से रखो। ये काम तो मैं रोज करता हूँ। ये काम तुम रोज नहीं करते, इसीलिए आज करना होगा। वो तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा। ठीक है, जब तुम वो काम खत्म कर लोगे तो उसके बाद डैड की मदद कर देना, क्यों? ठीक है ना? ओके, मन लगा के काम करना डैड। ये मुझे तुमसे कहना चाहिए शिनचैन। अच्छा डैड, मैं कौन सा काम करूँ? बेटा, ये जो तुम्हारे टॉयज बिखरे हुए हैं, इन सबको अच्छी तरह संभाल कर रख दो। ओके। तुम सबने मेरा पूरे साल कितना साथ दिया, अब मैं तुम्हें अच्छे से साफ करूँगा। वाह, कितना समझदार होता जा रहा मेरा बेटा, सुनकर अच्छा लगता है। अगले साल भी इसी तरह मेरा साथ दोगे ना? अरे ये क्या कर रहे हो शिनचैन, ये क्यों किया तुमने? मुझे पता था आखिर में यही होने वाला है। अरे मैंने अभी अभी यहाँ पर सफाई की थी, और देखिए हैरी क्या हाल हो गया। I'm sorry। आप हमेशा गलती करके फिर सॉरी कह देते हैं। गलती करके सॉरी कहना ही चाहिए। शिनचैन, तुम अच्छा कर रहे हो। हैरी, ये शीशे साफ करने के बाद यहाँ पर नए पर्दे लगाने हैं। ठीक है। डैड, डैड, मुझे भी करना है, मुझे भी करने दो ना प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम नीचे की तरफ कर लो। ये लो पकड़ो ध्यान से। इतना काम है और आप ऐसे वक्त पर बात कर रहे हैं? मैंने तुम्हें इसे ग्लास के ऊपर स्प्रे करने को कहा था, ना कि मुझ पर। कितनी बार कहा है बेकार की चीजें मुंह में मत डालो। अरे मेरी लाइंस क्यों बोल रहे हो बेटा, लो हो गया। एक बात कहूँ? बोलो। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल क्यों ना रखूँ मैं तुम्हारा, आखिर तुम मेरे प्यारे से बेटे जो हो। और पता है क्या,
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओ, ये पानी तो बिल्कुल गंदा हो गया है डैड। अच्छा ठीक है, जाओ और साफ पानी ले आओ बेटा। पानी पानी रे, मीठे पानी रे, साफ पानी रे। ये पीने के लिए था, तुमने ये क्या किया? ये पर्दे भी गंदे कर दिए और ये जगह भी। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी शिनचैन। ये सब आपकी गलती है, आपने कहा था आप इस पर नजर रखेंगे, अब बोलिए। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? ये काम तुम्हारा भी तो उतना ही था। आपका भी था। तुम्हारा भी था। ओफ़, आप हमेशा इस तरह क्यों लड़ने लग जाते हैं? बच्चों पर क्या असर होगा? आपको पता भी है इस सबसे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आप दोनों को क्या लगता है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ? और कौन है? अच्छी, अब हमें मार्केट चलना चाहिए। मैं थोड़ा आराम करूंगी हैरी, सुबह से घर के काम कर रही हूँ, सफाई, कपड़े, थोड़ी देर बाद जाएंगे। अगर हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी हमें। पता है, लेकिन मैंने इस बार के लिए कुछ सोच रखा है हैरी। क्या सोच रखा है? हम मिकी मिकी गैंग को खत्म करके छोड़ेंगे। देखिए, अगर हम अभी जाएंगे और शॉपिंग करेंगे तो थक जाएंगे और फायदा भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए बाद में चलेंगे। मैंने जो सोचा है वो सुन लीजिए। क्या मैं पहले टॉयलेट कराऊं? मेरी बात ज्यादा लंबी नहीं है, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। ओके। दुकान 8 बजे बंद होती है, हम 7:10 पर वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद अंदर जाकर हम आराम से एक एक करके अपनी जरूरत का सामान लेंगे, समझ गए? तब तक 7 बज जाएंगे और आपको पता ही है तब सेल शुरू हो जाती है। वाओ! इस तरह तो हम बहुत सारे पैसे बचा लेंगे और खूब सारी शॉपिंग भी कर लेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे ये कभी फेल नहीं होता। वाओ मिट्सी, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। वाओ! शिनचैन, आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, वो ठीक ही चल रही है। मित्सी, तुम्हारे आइडिया का जवाब नहीं था, लगता सभी ने यही सोच लिया था। अरे पहले मुझे शॉपिंग करनी है, पहले मैं आई हूँ, पहले मुझे शॉपिंग करनी है। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन आज साल का आखिरी दिन है ना, इसीलिए। शिनचैन बेटा, तुम्हें मालूम है ना अगर तुम खो गए तो तुम्हें क्या करना है? जो मिलेगा उसके साथ चला जाऊंगा। नहीं, तुम अपना पूरा नाम और पता शॉप के लोगों को बताओगे। अच्छा मुझे बोलकर बताओ। मैं आगरा के ताजमहल में रहता हूँ। तुम्हें अपना नाम बताना है, समझे? अच्छा, मेरा नाम शिनचैन दोहरा है। अब ठीक है। अरे जल्दी करो वरना दुकान बंद हो जाएगी। अरे मैं इस पे चढ़ूंगा डैड, मुझे चढ़ा लो। देखो कितना मजा आ रहा है, मैं कितना लंबा। ये कार नहीं है जो तुम इस पर चढ़ गए, ये खराब हो जाएगी। अगर अपनी खैर चाहते हो तो जल्दी से नीचे उतर जाओ शिनचैन। आप काफी अच्छा मजाक करती हैं मॉम, लेकिन ये तो मुझे भी पता है। अच्छा बासमती चावल। नमकीन कहाँ गए मेरे वाले? ये सब क्या है? आप साबुदाना भूल गई थी ना? अरे हाँ, मैं साबुदाना लेना भूल गई थी, तो ये सब साबुदाना है? बोलो, जवाब दो, ये सब क्यों लिया?
क्या कर रही हो मिस्सी यहाँ? मॉम प्लीज मॉम चाकू चिप्स मत चाहिए मॉम। तुमने किससे पूछ कर इतना सारा सामान लिया बताओ? प्लीज मॉम मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अरे मेरा पैर छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा नहीं। बस कीजिए, आप लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, दूसरे लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे। बस चोको चिप्स, बस चोको चिप्स, बस चोको चिप्स। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, एक चोको चिप्स का पैकेट दिलवा दूंगी। आपको लेना ही था तो पहले ही क्यों नहीं मान गई? क्या कहो? चलो चलो, अब सब देख रहे हैं हमें। इस परिवार पर खास नजर रखनी होगी। ये भी ले लें क्या? जरा इधर देखिए हैरी, कौन सा लें? चलो दोनों ले लेते हैं, एक ही काफी है। अरे शिनचैन तुम्हें क्या हो गया? मुझे टॉयलेट जाना है मॉम, और वो भी जल्दी से। जब हम सामान ले लेंगे उसके बाद चले जाना, ठीक है? लेकिन मुझे जल्दी जाना है, मुझे अभी जाना है मॉम, अभी ले चलिए ना। तुम्हें पता है सूप्स कहाँ पर रखे हैं? पता है पता है। तो जाओ अपनी पसंद का कोई भी सूप का पैकेट तुम ले लो। ठीक है। ये ले लें क्या हैरी? कौन सा, ये वाला? नहीं ये वाला। मुझे टॉयलेट जाना है। हैरी, हो गई हमारी शॉपिंग। मैं आ गया। हैरी आपने इसके हाथ धुलवाए? हाँ धुलवाए। सूप कौन लेकर आया? ये तो मुझे लाना था ना मॉम, और वैसे भी ये वाला मुझे पसंद नहीं है। समझ गई, जाओ जो तुम्हें पसंद है वो लेकर आ जाओ, जल्दी करो। ओके। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे मेरा फेवरेट सूप तो यहाँ पर है ही नहीं। ओ, ओ, मेरा फेवरेट सूप। हर चीज सही से रखी हो तभी मुझे अच्छा लगता है, और ये काम मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये निकलता क्यों नहीं है? अरे बेटा ऐसा मत करो। चलो मैं निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए, रुक जाओ एक मिनट। अगली बार तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना बेटा, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। ये अंकल तो अजीब है। रुक जाओ, तुमने तो बहुत देर लगा दी। तुम वहाँ क्या कर रहे थे शिनचैन? अगर तुम ऐसा करोगे तो एक्शन काम आ जाएगा, याद रखना ये बात। ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी कर, चलिए ना डैड, चलिए ना। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपकी सुविधा के लिए हमने अपने सारे कैश काउंटर्स खोले हुए हैं, और स्टोर को हम जल्दी ही बंद करने वाले हैं। आप सबको नया साल मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप नए साल में यहाँ फिर आएंगे। एक्शन कमेंट। ये बच्चे बिना मिर्ची क्या बताऊं? आप शिनचैन को इतना छेड़ क्यों रहे हैं? ये कोई अच्छी बात है? लगता है तुम भूल गई मिस्सी, हर रोज सुबह ये भी हमारे साथ यही करता है। आप सही कह रहे हैं, वैसे आज शॉपिंग बहुत अच्छी हुई। हाँ, और हमारा शिनचैन भी बहुत अच्छा है।